नमस्ते, मैं हूं पंकज गुप्ता। हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सलाम ज़िंदगी। इस सीरीज़ में हम आपको ऐसे लोगों की कहानियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है। तो चलिए सलाम ज़िंदगी के सफ़र को शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने पहले मेहमान से जिनका नाम है अविनाश कुमार। अविनाश का जन्म बिहार के पूर्णिया ज़िले के झहुआरी गांव में हुआ। सन 1996 में अविनाश दिल्ली आ गए, दिल्ली में ही पढ़ाई की और कला की दुनिया से रूबरू हुए। अविनाश आज एक सफल डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर और पपेटियर हैं। सन 2017 में उन्हें नाटक महाभारत के लिए मेटा का बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिल चुका है। अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सलाम ज़िंदगी। आप हमें अपने बचपन के बारे में बताएं, मतलब घर कब छोड़ा आपने? मैंने 96 में घर छोड़ा था और घर की कंडीशन ठीक नहीं थी और कुछ लोगों से मैंने सुना था कि वो दिल्ली आना चाहते हैं और ये बात मेरे कान में और दिमाग में बैठ गया। सो 150 रुपये थे मम्मी के बक्से में, वो लिया और वहाँ से निकला और कटिहार पहुँचा जहाँ से मेन ट्रेन नई दिल्ली के लिए चलती है। अब पता है नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, उस टाइम में नहीं पता था। तो जब टिकट लेने गया तो उनको समझ आ गया कि मैं घर से भाग रहा, तो पुलिस वाले को बुलाया और मैं लकली वहाँ से भागा और भाग के जिस ट्रेन में छुपा वो ट्रेन दिल्ली को आ रही थी। ओके। तो उस तरह से कभी राह सफ़र काफ़ी कठिन रहा क्योंकि बिना टिकट और छुप छुप के टॉयलेट में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मतलब घर से भागना क्यों हुआ, ऐसे वो वजह क्या थी? वो ये थी कि मम्मी ने शायद एक दिन मारा मुझे। ओके। और मैं बहुत गुस्से में था, बहुत शरारती भी था मैं। तो मार क्यों पड़ी थी आपको? खेत में मूंग दाल होती है ना, मूंग की खेती हो रही थी और मम्मी ने कहा कि जाके देख कि किसी की बकरी मूंग ना खा गए, वो जो पौधे निकलते हैं वो बकरी जल्दी खा जाते हैं, तो उसको मना करने के लिए कि जाके वहाँ देख किसी की बकरी खेत में ना घुस गए। तो मैं नहीं गया, मैं कंचे खेलने लगा कहीं। अच्छा। जाके और शाम को बहुत पिटाई। आप फिर दिल्ली आ गए? जी। फिर आगे क्या हुआ, मतलब दिल्ली आने के बाद क्या हुआ? देखिए, पूरे सफ़र में मैंने डर के मारे खाना नहीं खाया। अच्छा। भूखा था बहुत, तो बाहर आया, बाहर आके मैंने पूरी और सब्जी खाई जिस उस टाइम में शायद वो मिल रहा था 10 रुपये की। ओके। 96 में, और पूरी सब्जी खाई और पूरी भी जली हुई थी तो वो टेस्ट नहीं आ रहा, तो एकदम से मम्मी की याद आई उसी टाइम। अच्छा। ये क्या खाना है? तो बट अब आ गया था तो डर भी लग रहा था कि क्या करूँगा। कुछ दिन तक रहा और पैसे ख़त्म हो गए, स्टेशन पर ही रहा, रात को सीढ़ी के नीचे सोता था। ओके। तो पैसे जब ख़त्म हो गए तो एक चाय की दुकान पर मुझे काम मिला, शायद वो 9 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म था उस। अच्छा। तो उस चाय की दुकान पर मुझे 25 रुपये डेली के मिलते थे। ओके। और खाना देता था, तो मैं चाय बेचता था सुबह से शाम तक और 25 रुपये वो देता था मुझे। एक दिन बहुत गुस्सा आया मुझे और मैंने बोला कि मुझे नौकरी नहीं करनी। जैसे मैं प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा, उस टाइम में मौर्या सर थे, सलाम बालक ट्रस्ट के सोशल वर्कर थे, वो आए हमारे पास और उसने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, घर से आए हो, अच्छा पढ़ना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें पूछा। वो GRP पे ले गए जहाँ पे उषा दीदी थी। ओके। वो बच्चों को पढ़ा रही थी और उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि ये बच्चा यहाँ नहीं रहेगा, इसको आप शेल्टर होम ले जाओ, क्योंकि GRP पे भी कुछ बच्चे रहते थे, वो बच्चे रहते थे जो काम भी करते थे और जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। ओके। तो मुझसे पूछा गया कि पढ़ना चाहते हो, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि गाँव में मैं शायद फर्स्ट क्लास तक पढ़ा था और फिर पढ़ाई हुई। आपको अपना नाम लिखना आता था उस टाइम पे? नहीं नहीं आता था। नहीं। ओके। तो ये सफ़र रहा, फिर आया सलाम बालक में। ओके। ऊपर गया, उन्होंने फटाफट मेरे से नाम पूछा, कहाँ से आए हो, मैंने सारा चीज़ बता दिया कि कहाँ से हुई हूँ, घर जाना चाहते हो, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे घर अभी नहीं जाना है। देन फिर सडनली ये उन्होंने तेल साबुन और कपड़े दिए, मैं खुश। अच्छा। हो गया। ओके। नहाया, खाना दिया, खाना खाया। ओके। और फिर बच्चों के साथ बिठा दिया, बोला खेलो,
आपको एक दो दिन में स्कूल में एडमिशन करा दें। अच्छा ऐसा। तो जब आप आए थे सलाम बालक में पहली बार, तो कोई खास याद है आपको उस टाइम का, कोई खास पल, कोई खास इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद हो अपने बचपन का? सबसे ज़रूरी ये था, टीवी थी। अच्छा। क्योंकि गांव में मैं टीवी देखने के लिए घर से भाग जाता था और जाके सैटरडे संडे मूवीज आती थी DD1 पे, तो वो देखने के लिए जाता था, तो उसके लिए भी बहुत पिटाई खाई थी। अच्छा। और मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद था, तो टीवी देखा, केबल लगा हुआ था और बहुत मज़ेदार था, मुझे लग रहा है शायद उससे मैं बहुत खुश हो गया। ओके। और फिर जो एक्टिविटीज़ होती थी, ड्राइंग होता था, फिर लोग अलग अलग लोग आके हमारे साथ वर्कशॉप्स करते थे, थिएटर होता था उस टाइम। ओके। तो थिएटर में दिलचस्पी, मैं बहुत शर्मिला था। अच्छा। पर एक बार मैंने हिम्मत करके, कपिल सर थे उस टाइम में, और मैंने नाटक में उनका, उस टाइम में चलता था एक था बंदा गोलूराम, शराब के ऊपर था। ओके। नाटक, और किस तरह से बच्चे घर छोड़ के आते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। ओके। तो अविनाश, आपने बताया कि आप कई सारी एक्टिविटीज़ करते थे, थिएटर करते थे, डांस करते थे और पेंटिंग करते थे, तो आपने डांस इस लाइन को क्यों चुना, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? जब सलाम मालक में था, तो जब मैंने आपको बताया कि थिएटर शुरू किया और फिर मेरा इंटरेस्ट थिएटर में ज़्यादा आया, पतादी पदम जी के साथ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक कहानी हम लोगों ने वर्कशॉप करके निकाला, जो मैं भी एक बच्चा हूँ जो कहानी। ओके। वो एक जज्बा था अंदर कि हमको भी एक्टर बनना है। अच्छा, एक्टर बनने के लिए क्या क्या करना है? हॉर्स राइडिंग करना है, स्विमिंग आना चाहिए, डांस आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो डांस को पकड़ा और डांस के साथ फिर बढ़ा आगे, मज़ा आया, और फिर जाके उसके साथ फिर मैंने संतोष नायर जी से कंटेम्प्रेरी सीखा। ओके। उनकी कंपनी में साध्या में काम किया, शोज़ किए, और बहुत मज़ेदार रहा सफ़र, और इस तरह से चलता रहा। लेकिन थिएटर मैंने छोड़ा नहीं, थिएटर क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे चला गया। ओके। वो डांस आगे आ गया। डांस आगे आ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा आने लगा। तो कहते हैं ना कि जब आपका इंटरेस्ट आने लगता है तो आप बिल्कुल उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं घर की एक और बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि घर में लेटर भेजूं, सलाम बालक ट्रस्ट ने, कि तुम्हें आए और तुम्हारे माँ बाप लेके जाएं। तो मैंने बोला कि नहीं, जिस दिन मैं लिखना शुरू कर दूंगा ना, मैं खुद ही लिखूंगा अपने हाथ से। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ में आके मैंने अपने हाथ से लेटर घर लिखा था। अच्छा। और फिर मेरे मम्मी पापा आए, मम्मी नहीं आई, पापा आए, आपको मिलने आए? मिलने आए। अच्छा। और बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, और पापा रो भी रहे थे, मैं भी रो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि चल घर, मम्मी की हालत ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हुई, पर मना कर दिया क्योंकि मुझे कुछ करना था, शायद ऐसे मेरे जहन में था। तो मुझे लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सलाम बालक जिस वे में हमको पुश कर रही है और हम भी जिस वे में पुश कर रहे हैं अपने आप को, शायद हमको कुछ ना कुछ हासिल होगा ज़िंदगी। फिर जब बाहर कमाने लगा तो फिर घर को सपोर्ट करना शुरू किया। ओके। घर की स्थिति ठीक करना शुरू किया, फिर उन्होंने ज़मीन ली, घर बनाया, भाइयों की शादी हो गई। गांव में किया? गांव में, सब घर अभी बहुत सेटल है। अच्छा, मैं ये आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी ट्रेवल किया है, काफ़ी शोज़ किए हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ में काम किया है, बहुत हद तक आप एक सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में, तो ये सक्सेस कैसे मिली, ये आपने कैसे हासिल किया? देखिए, वो सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग कहते हैं बहुत फिल्मी डायलॉग है, पर बहुत रियल है। किसी के सक्सेस के पीछे किसी के माँ बाप का हाथ होता है, किसी के गर्लफ्रेंड का हाथ होता है, किसी के वाइफ का हाथ होता है, किसी के दोस्त का हाथ होता है, बहन का हाथ होता है। तो मेरे लिए जो है वो सलाम बालक ट्रस्ट है, और सलाम बालक ट्रस्ट नहीं होता तो शायद ये जो जर्नी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। 2012 में मैं एक जगह TI है उसमें कोरियोग्राफ करने गया था, वहाँ मैं जो मेरी वाइफ है उनसे मुलाकात हुई। नाम बताइए। अशील नाम है। ओके। और 2012 में हम मिले और फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन गया कि शायद ये लड़की मेरे लिए सही है, मतलब मैं उसके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो हमने अपने सफ़र को शुरू किया और वहाँ से हमने बातचीत शुरू की, तो जर्नी शुरू हुई। 2013 में शायद हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो तुम ये देख लो कि जितना मैं ट्रैवल करता हूँ ये तुम अकेले रह पाओगी या नहीं रह पाओगी। बिल्कुल। तो एक साल का टाइम लिया हमने,
देन हमने डिसाइड किया, उसने बोला कि नहीं मेरे लिए ठीक है ओके और हम ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी एक बेटी है 3 साल की, उसका नाम तन्विशा है। तन्विशा, हाँ। और मतलब क्या होता है तन्विशा का? मतलब होता है ब्यूटीफुल। ओके, सो वो हमारी ज़िंदगी में आई और फिर एक और अध्याय शुरू हुआ और काफ़ी मज़ेदार रहा है ये जो 6-7 साल है हमारे शादी के। एक जर्नी जो मेरी रही है, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, और आज शायद उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बट आज भी मैं वो पूरी ज़िंदगी पीछे तक देखता हूँ तो लगता है कि मैं कितनी दूर तक आ गया हूँ और शायद मुझे और कितनी दूर और जाना है। और बहुत काफ़ी मज़ेदार रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतना काम क्या हुआ है, इतने सक्सेसफुल हैं आप, आगे क्या प्लान है आपका, आपके काम को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा प्लान है कि मैं एक कंपनी खोलूं, जो मैंने शुरू कर दिया है अनलॉक परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से। ओके, और उसका पहला प्रोडक्शन हमने बनाया जो कि फार्मर सुसाइड के ऊपर है, जिसमें कंटेम्प्रेरी डांसर और पपेट्स मिक्स हैं। जैसे आपका बचपन बहुत मुसीबत भरा रहा, फिर आपको घर छोड़ना पड़ा और अब काफ़ी समय आप बाहर रहे, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत मुसीबत में हैं ना, जिनको कहीं ना कहीं कुछ मदद की ज़रूरत है। तो आप क्या सोचते हो कि इस तरह के बच्चों के लिए जो मुसीबत में हैं, उनके लिए सरकार को या इस सोसाइटी को क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों को साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चे भाग क्यों रहे हैं और जड़ को देखना है। तो फैमिलीज़ को सपोर्ट करना ज़रूरी है, एजुकेट करना ज़रूरी है। गांव में एजुकेशन लेवल पुअर है, बहुत ख़राब है, उसको सिस्टम को ठीक करना ज़रूरी है। उनके माँ बाप के साथ काम करना ज़रूरी है, उस गाँव में जाके, उस सोसाइटी में, उस झुग्गी में, झोपड़पट्टी में, उस स्लम्स में जाके काम करना ज़रूरी है जहाँ से इस तरह के बच्चे बाहर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि करीब 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कई बार हमने लॉकडाउन देखा, फिर अनलॉक देखा, काफ़ी समय मिला है हम सबको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचने के लिए, जानने के लिए। तो आपने इससे क्या सीखा, इस टाइम से कुछ सीखा है आपने पर्सनल लेवल पर कुछ? ये जो 1.5 साल का था मेरे लिए बहुत सबक था। मैं बताऊं कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था एक टाइम पे, मुझे बहुत डिप्रेस, हमारी मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी, तो नेचुरल था, हम उस फेज से गुजरे और वो एक सबक दे के गया है कि अगर एक चीज़ नहीं है तो आपको दूसरा आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये सबक दिया है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह के आगे की चीज़ें नहीं तो इस चीज़ से हार नहीं मानूंगा, लेकिन हमें दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा जहाँ की रोज़ी रोटी हो। आपकी जो पूरी जर्नी रही है ना, उसमें बहुत स्ट्रगल रहा है, उसका आपने बहुत सामना किया है, ठीक है? तो जो हमारी ऑडियंस है, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे जैसे आपने किया था पहले, कई मुसीबतें आती होंगी, फ्रस्ट्रेशन होती होगी, तो ऐसे लोग को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि जब कभी आप फंसो, आप स्ट्रगल में हो, आप परेशान हो, तो ताकत क्या बन सकती है आपकी, आप उससे बाहर कैसे आ सकते हैं? सबसे ज़रूरी ये है कि आप कर क्या रहे हो। आप जो काम कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि इसमें फ्यूचर नहीं है, आप उस काम से एकदम से मुंह मत मोड़ो, उस काम को आप रखो, उसके बिसाइड आप दूसरा चीज़ देखो कि आप और क्या कर सकते हो। लेकिन जो आप करना चाहते हो उसको छोड़ना नहीं है, सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे बड़ा लोग हो, छोटा लोग हो, हर कोई कुछ ना कुछ आपको सिखाता है, सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी क्या बात है जिसको लेके आपको बहुत ग्रेटफुल फील होता है अपनी ज़िंदगी में? मैं अपनी जर्नी से इंस्पायर हूँ,
और उस जर्नी में जितने लोगों का हाथ था, चाहे वो मेरे गुरु लोग हों, सलाम बालक ट्रस्ट हो, मेरी वाइफ हो, मेरे दोस्त हो, वो सब इन्वॉल्व हैं। और शायद इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, पुश किया है। और ये लोग तो सपोर्ट और पुश करते ही हैं, लेकिन आपने अपने आप को कितना पुश किया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेरी जर्नी है और इस जर्नी में इतने लोग जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, इंस्पायर हूँ। ये मुझे मोटिवेट करते हैं। हमारी तरह जो घर से भागे हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की जर्नी उन्होंने देखी है, और जिनके अंदर वो जज्बा है और जो लड़ चुके हैं, वो फाइट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है, और इससे मुझे फील होता है जो मेरी कहानी है मुझे खुद ही इंस्पायर करती है। ओके, तो ये थे हमारे साथ अविनाश कुमार। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी सलाम जिंदगी के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सलाम।